नमस्कार, आप देख रहे हैं होंकार 24/7। मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिता बहार थाने में, जहां पर नमो विचार प्रवाह संघ के अध्यक्ष एस राहुल के साथ, जो साहू समाचार व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक अनजान शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की साथ उनकी फ़ोटो एडिट करके ग्रुप में डाली। वहीं जब एस राहुल ने उस शख्स अनजान शख्स को कॉल की और उनसे इस बारे में बात की, तो उसने गाली गलौज की। साथ ही आपको बता दें कि ये शख्स, अनजान शख्स, अपने आप को कांग्रेस पार्टी का बता रहा है। आइए बात करते हैं एस राहुल जी से। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भ्रष्ट बोला, जो कि स्वयं बेल पे बाहर आए हुए हैं, तो ये कांग्रेस का 70 सालों का कल्चर रहा है। 70 सालों की तुलना और हम 4 साल की तुलना करते हैं तो आज भारत बहुत श्रेष्ठ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबके विकास को और सबके साथ का पालन करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भारत की 99% जनसंख्या के चाहते हैं, उनको हमारे ही समाज का मुरलीधर गुप्ता जैसे व्यक्ति इतने गंदे शब्दों में लिखना, वो भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जिसकी नमो विचार प्रवासन कड़े शब्दों में निंदा करता है। और हम लोग आए हैं कि सरिता बहार थाने में कि इनके खिलाफ़ 504, 506, 507 और ITAT के तहत इनके खिलाफ़ FIR हो, इनको मुकदमा लिखा जाए और इनको मुंबई से सरिता बहार पुलिस गिरफ्तार करके लाए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कि इस अनजान शख्स ने प्रधानमंत्री जी के लिए इतने बुरे अपशब्द कहे हैं, आपत्तिजनक कहे, इस बारे में उस अनजान शख्स के लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैडम, ये अनजान शख्स नहीं है, इसका नाम है मुरलीधर गुप्ता, जो कि मुंबई से और एक अच्छे हमारे जान पहचान के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, उसमें जुड़ा हुआ है, वो लोग भी उन्हें जानते हैं। तो ऐसे लोग समाज में एक बहुत ही निंदनीय लोग हैं, जो कि मोदी जी जैसे प्रधान सेवक जो अपने आप को बताते हैं, और विश्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है और लोग गर्व करते हैं प्रधानमंत्री जी पर, और ऐसे बड़े शब्द, गंदे शब्द यूज़ किए हैं मुरलीधर गुप्ता ने, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस यही कहना चाहता हूँ कि थानाध्यक्ष से अनुरोध होगा कि हमारे राहुल जी जो शिकायत लेके आए हैं, उनकी शिकायत को सुने और एक निष्पक्ष और अच्छा कार्रवाई करने की कोशिश करें। जैसा कि आपने देखा कि नमो विचार प्रवाह संघ के अध्यक्ष एस राहुल का कहना है कि एक अनजान व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, ये लोग सरिता बहार थाने में उसी सिलसिले में FIR दर्ज कराने हैं। अब देखना यह है कि सरिता बहार थाने की पुलिस अनजान शख्स आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। फिलहाल आप बने रहिए होंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।